राजस्थान सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा कल यानी कि एक दिसंबर 2022 को आदेश जारी हुआ था छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप को लेकर जो है छात्रवृत्ति समाज कल्याण विभाग की एस की स्कॉलरशिप अगर हम बात करें तो ठीक है ना नॉर्मल जानकारी लेंगे क्योंकि छात्रवृत्ति से रिलेटेड हमारे इस चैनल पर पहला वीडियो है अगर पहली बार बने हैं आप इस पर तो सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया तो अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो कमेंट कीजिएगा ठीक है ना छोटा सा वीडियो है नॉर्मल जानकारी देने वाला हूँ केवल ठीक है ना अब जैसे जैसे इस पर ज़्यादा रेस्पॉन्स आएंगे लगता है कि अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं और अच्छे भाइयों को फ़ायदा मिल पा रहा है तो हम वीडियोज़ छात्रवृत्ति रिलेटेड रिले और भी अपलोड करेंगे छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ देखता हूँ कितने रेस्पॉन्स है भाई कितने इससे कुछ होते हैं ठीक है ना छात्रवृत्ति के फॉर्म है जो पहले जो इसकी तीस तारीख थी वो निर्धारित थी अर्थात तीस तारीख पहले थी और अब बढ़ा के इसको इकतीस जनवरी दो हज़ार तेईस कर दिया गया है यानी कि तेईस जनवरी इकतीस जनवरी दो हज़ार तेईस तक आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हो जो है उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति अब कौन भर सकता है कैसे भरना है कितनी तो मिलेगी क्या होगा क्या नहीं होगा स्टेटस कैसे चेक करना संपूर्ण जानकारी के लिए मैं अलग अलग वीडियो बनाऊँगा लेकिन पहला वीडियो इसीलिए मैं रेस्पॉन्स देखता हूँ क्या पता भाइयों को खुश नहीं आए और मैं वीडियो बनाता जाऊँ तो कोई मतलब नहीं है भाइयों को फायदा पहुँचे ये परम लक्ष्य है भाई से जानकारी मिले कई दिव्यांग भाई है उनके लिए और अन्य भाइयों को ठीक है ना तो ये छोटी सा वीडियो था कैसा लगा आपको कैसे क्या इस पर हमें वीडियो बनाना चाहिए क्योंकि जब तक स्कूटी से रिलेटेड और छात्रवृत्ति से रिलेटेड हर एक तरह की अपडेट मैं आपको देने वाला इसीलिए ठीक है ना तो मिलते हैं अगले वीडियो में साथियों